हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभियान गेम। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। होगा मैं माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज वाली वर्ल्ड है। तो ओके गाइस, तुम लोगों को जैसा याद होगा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में कहा थी, तुम देख लो ना आयरन फार्म भी बनाया था। अभी देखो मैं तुमको दिखाता हूँ इसमें मेरे पास अभी तक कितना आयरन कलेक्ट हो चुका है। रुको एक मिनट, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 3 स्टैक तो होगा गाइस, 14 स्टैक आधा से ज़्यादा हो चुका है। और अगर गाइस तुम लोगों ने अभी तक वो आयरन फार्म वाली वीडियो नहीं देखी तो गाइस तुम लोग जाके जल्दी देख लेना। और बाकी गाइस मैंने सोचा इस वाली वीडियो में गाइस मैं एक नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने वाला, जो कि मेरे को बहुत पहले मिला था। तो गाइस तुम लोगों को सीधा ना नेदर में मिलता हूँ, नेदर फोर्ट्रेस के पास में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये रहा हमारा नेदर फोर्ट्रेस, क्योंकि गाइस अभी हमारा हो चुका है ये गाइस। एक जमाने में हुआ करता था पिगलिन्स का, लेकिन अभी हम अपना है। तो जल्दी से यार मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ यार, और देखता हूँ यहाँ पे ना क्या हो सकता है, जो ना विदर स्केलेटन होते हैं उनका गाइस मेरे को घर ऐड मिल सके। तो बाकी तुम लोग एक बार देखो यार, मेरी वो में मैंने एकदम खतरनाक एन्चांटमेंट लगा रखी, सिर्फ एक एक हिट में सारे जाएंगे। मैंने इसमें गाइस इन्फिनिटी लगा रखी है, पावर लगा रखी है, अनब्रेकिंग लगा रखी है, फ्लेम लगा रखी है, और भी एक आध चीज़ें यहाँ पंच लगा रखी है। बाकी गाइस तुम लोग बस देखो एक बार यार, मैं तुम लोगों को डेमो दिखाता हूँ मेरे यहाँ पे बो एंड एरो का, ये कितने खतरनाक है। बस सिर्फ गाइस मैं 4 एरो लेके आया, क्योंकि गाइस जैसा कि मैंने इन्फिनिटी लगा रखी तो गाइस सिर्फ एक एरो से पूरा मैं बहुत देना सारे लोग यहाँ पे मतलब मॉब्स को मार सकता हूँ। तुम लोग ये देखो सिर्फ ए, रुको यार ये तो मिस हो गया जल्दीबाजी में। हाँ ये देखो गाइस इसके एक एक हिट में जा रहे ना। उसके अलावा गाइस मैं इनके ना एक काम करता हूँ, जो ब्लेज राउंड मिली है ना गाइस, मैं क्या कर रहा था गाइस, मैं ना आते वक्त आने से पहले ना गाइस मैं यहाँ पे अपने साथ ना गाइस ब्रूइंग स्टैंड बनाने का, और गाइस ना यहाँ पे फायर रेजिस्टेंट के पोशन बनाने का सामान लेके आया था। बाकी ये तो यहाँ पे ये है ब्लेज। अभी मेरे को क्या करना है गाइस, अभी मेरे को इनसे फाइट नहीं करनी, सबसे पहले मेरे को अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि गाइस अगर मैं इनसे लड़ता रहूँगा फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। और तो मैं कह रहा था गाइस मैं आप अपने साथ एंडर चेस्ट बनाने का सामान भी लाया, ताकि मैं अपने साथ जो भी मेरे को चीज़ें मिलेगी ना मैं उसमें डालता जाऊँगा, मेरे को कोई स्टोरेज की कमी ना हो। उसके अलावा देख सकते हो ये माइनक्राफ्ट की मेरे को अचीवमेंट मिल चुकी है यहाँ पे इन टू द फायर। और उसके अलावा गाइस मैं यहाँ पे पोशन भी बनाऊँगा फायर रेजिस्टेंस के, ताकि अगर मान लो मैं इनसे ब्लेज से लड़ूँ तो गाइस मैं कहीं ऐसा ना हो जाऊँ कि कहीं मैं फायर के वजह से मर जाऊँ। उसके अलावा चलो जल्दी से मैं बनाता हूँ सारी चीज़ें। और इसके अलावा गाइस तुम लोग सोचोगे यहाँ पे गाइस मेरे पास इन्हें डायमंड कहाँ से आए, तो गाइस मैं डायमंड इसलिए लाया था, अगर मान लो गलती से मेरी अगर पिकैक्स या फिर कोई दूसरी कोई चीज़ ऐसी डायमंड की मतलब मेरे कोई टूल्स उनमें से गाइस कुछ टूट जाता, तो गाइस मैं यहाँ पे जल्दी से फटाफट से उनको बना लूँगा, इसलिए मैं डायमंड लेके आया था। तो गाइस मैं जल्दी से इनको, यार गाइस इसमें डल क्यों नहीं रही है बॉटल से यार ये। अच्छा अरे यार गाइस मैं एक चीज़ तो भूल ही गया कि यार ये तो सिर्फ है ना बॉटल, इनमें गाइस पानी तो डाला ही नहीं मैंने, फिर भी कोई बात नहीं कहता। हाँ यार मैं एक जल्दी काम करता गाइस, मेरे पास वाटर बकेट रखी थी गाइस, बोलो यार ये अभी काम आ रही है मेरे वाटर बकेट यार। अच्छा हो मैंने इसको यहाँ पे कहीं पर फेंका नहीं या फिर वेस्ट नहीं करा, तो यहाँ पे जल्दी से कोल्ड ड्रिंक बना लेता हूँ यहाँ पे, मतलब कोल्ड ड्रिंक में ना वाटर बकेट डाल के यहाँ पे मैं अपना पोशन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर गाइस मेरे पास ये वाटर बकेट नहीं होती ना गाइस मैं यहाँ पे पोशन बना ही नहीं पाता, और गाइस मेरी सारी मेहनत में वेस्ट हो जाती है, जो मैंने गाइस यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करा था यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे इकट्ठा करने में, पोशन बनाने की सारी चीज़ों को। तो गाइस यहाँ पे पोशन बनाने का काम तो है ना डन हो चुका है। और मैंने कहा गाइस इनको ना रेडस्टोन डस्ट से गाइस इन लोगों मतलब इन सारे पोशन को गाइस मैंने 8-8 मिनट का कर लिया, ताकि गाइस थोड़ी ज़्यादा देर चले। तो गाइस जैसे मेरे को सामने गाइस ये कहना ये विदर स्केलेटन दिख रहा है, और गाइस मैंने एक को पहले मार भी दिया, तो एक काम करता हूँ इसको मार लेता हूँ, फिर चेक करता हूँ गाइस हो सकता है क्या पता यार हम लोगों को है ना मतलब मेरे को है ना विदर स्केलेटन का हेड मिल जाए, विदर हेड मिल जाए, ताकि फिर बाद में मैं ना विदर से फाइट कर सकूँ। तो गाइस यार यहाँ पे तो कोई मेरे को हेड दिख नहीं रहा, नहीं गाइस कोई मेरे को मिला नहीं हेड। बाकी यार देखते हैं यार ये नेदर मतलब नेदर फोर्ट्रेस के अंदर वाली जगह पे गाइस कहाँ पे क्या क्या कुछ लूट अच्छी बहुत है क्या। यहाँ पे तो गाइस कुछ भी नहीं है, मैं अंदर की तरफ चलता हूँ, यहाँ पे हो सकता है मेरे को कोई चेस्ट दिख जाए। ये देखो गाइस सामने की तरफ एक चेस्ट रखी हुई है, इसमें क्या है, इसमें तो गाइस नॉर्मल से ऑब्सीडियन और बाकी ये नेदर वॉट है, इसको मैं ले लेता हूँ। ऑब्सीडियन को चलो छोड़ो क्या लेना यार। हाँ बाकी सामने ओ भाई गाइस इसमें गाइस खतरनाक सामान मिला है, 3 डायमंड और 1 डायमंड हॉर्स आर्मर, ये सारी चीज़ें ये दोनों काम की है। बाकी वो दो जो चेस्ट प्लेट है ना गोल्ड की, वो बिल्कुल काम की नहीं है मेरे। और यहाँ पे गाइस मेरे को यहाँ पे गोल्ड के इंगट मिल गए, और यहाँ पे मतलब गोल्ड हॉर्स आर्मर ये है ना, गोल्ड तो गाइस मेरे को काम आएगा ट्रेडिंग करने के। बाकी गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरे को यहाँ पे मिल चुका है ये नेदर वाटर, साथ में गाइस सोल सैंड या सोल सैल जो भी है, इसको गाइस मेरे को सोल सॉइल की जो होती है, मेरे को गाइस एलिवेटर बनानी थी ना वाटर की ऑटोमेटिक वाली। बाकी गाइस इनको कलेक्ट कर लेता हूँ, और देखता हूँ आगे कुछ और भी मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग या फिर कोई काम की चीज़ मिले तो।
तो गाइस तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे गाइस, ये जो सामान है ना इसमें गाइस, कुछ सामान तो वो है जो मैं अपने साथ लेकर आया था, बाकी वो है जो कि मेरे को यहाँ पे गाइस मिल रहा था सामान। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे पास इतना सारा फूड कैसे जबकि मैं यहाँ पे इतनी देर से। तो गाइस पहली चीज़ मैं तुमको बता दूंगा, मेरे पास फायर रिस्पेक्ट वाली सॉर्ड है, तो बाकी गाइस तुम खुद ही समझ सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मेरे को सामने गाइस यहाँ पे ब्लेज का स्पॉनर मिल चुका है। काम करता हूँ गाइस, यहाँ पे जो जगह है ना इसको मैं गाइस पैक कर लेता हूँ, थोड़ा रूम टाइप बना लेता हूँ, थोड़ा स्पेस रखूंगा ताकि स्पॉन हो सके, और इनको फिर गाइस इनको है ना पकड़ पकड़ के मारूंगा, और है ना इनसे ब्लेज रॉड है ना इकट्ठा करते जाऊंगा, और इतनी मतलब ब्लेज रॉड कर लूंगा जितनी गाइस मेरे को बाद में दोबारा बहुत टाइम तक आना, बहुत टाइम मतलब इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं, और इतना कि गाइस मेरे को इतना जल्दी से जरूरत ना पड़े, अगर पड़े भी तो गाइस मैं इधर आ जाऊँगा सीधा, और इनको फिर गाइस है ना अपनी शॉर्ट से मारने लग जाऊंगा, नहीं तो पिकैक्स मतलब पिकैक्स तो नहीं एक्स या फिर बाकी किसी और चीज़ से मारूंगा। तो देख सकते हो तुम लोग यार, ये है ना स्पॉन हो चुका है, मैंने यहाँ पे रूम भी बना के कंप्लीट कर लिया था, इसलिए मैं टॉर्चेस भी हटा दिया। तो देख सकते हो तुम लोग यार, मेरी स्वॉर्ड के जलवे आ रही है, सिर्फ दो दो हिट में जा रहे हैं यार, ये सारे के सारे है ना ब्लेज ही टिक नहीं पाएगा मेरी स्वॉर्ड के सामने, जलवा है हमारा। तो मैंने सोचा कि यार जब तक यहाँ पे है ना मेरे पास फायर स्टोन का कोर्स चल रहा है, जब तक गाइस मैं ना यहाँ पे इनसे फाइट लड़ूंगा, तो जैसे ही मेरे पास खत्म हो जाएगा ना उसके बाद गाइस है ना जितने मेरे पास कलेक्ट होएगा उसके बाद चल जाऊंगा, इसलिए नहीं जा रहा मैं क्योंकि मेरे पास है ना पोशन नहीं होगा, पोशन तो मेरे को पड़े हैं, लेकिन इसलिए मैं चल जाऊंगा क्योंकि गाइस मेरे को ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है इनको ब्लेज रॉड को कलेक्ट करने में, क्योंकि गाइस अगर मेरे को मान लो ब्लेज रॉड की जरूरत पड़ेगी तो गाइस मैं वापस दोबारा आ जाऊंगा। उसके अलावा गाइस मैं तुम लोग बता दूंगा, इनसे फाइट लेने के बाद गाइस मैं सीधा है ना अपने ओवर वर्ल्ड में चल जाऊंगा, क्योंकि मैंने बाकी पूरा फोर्ट्रेस एक्सप्लोर कर लिया। इसके अलावा बस मेरे को एक और ना ये मिला था इनका स्पॉनर, और बाकी ऐसा कुछ खास था नहीं, तो उसके बाद मैं सीधा ही तुम लोगों को मिलूंगा ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस जो सामान मेरे को गाइस नेदर के नेदर फोर्ट्रेस से मिला था ना गाइस, वो सारा का सारा इस एंडर चेस्ट में गाइस, ये देख सकते हो सिर्फ वही सामान का जो एंडर चेस्ट में रखा है, ना कि वो जो कि मेरे इन्वेंट्री में। तो मैं गाइस जानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा कम है सामान, बाकी तुम लोग कमेंट कर बताना कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। गाइस कमेंट करके बताना गाइस तुम लोगों को कैसी लगी वीडियो, और बाकी पुरानी वाली वीडियोज़ भी जाके देख सकते हो तुम लोग चाहो तो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।